कब होगा भ्रष्टाचार पर बार? क्या कर रही योगी सरकार? निकाय निर्देशालय बना भ्रष्टाचार का अड्डा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। बात 1985 की है। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी सूखे प्रभावित उड़ीसा के कालाहांडी जिले के दौरे पर थे। उन्होंने कहा था कि सरकार जब भी एक रुपया खर्च करती है तो लोगों तक 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं, यानी कि 85 पैसा सरकारी व्यवस्था को आम आदमी तक पहुंचने की जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारियों की जेब में चले जाते हैं। और ये सिलसिला अभी यानी कि 40 साल के बाद भी बदस्तूर जारी है। अपनी भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दम भरने वाली भाजपा चौथी बार केंद्र सरकार में है, पर व्यवस्था वही आज भी चल रही है। भ्रष्टाचार आज भी लगातार पनपता जा रहा है। यूं तो इसकी वानगी बताने के लिए अमूमन हर विभाग मिल जाएंगे, पर अगर हम बात करें देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की हवा निकल चुकी है। पर जब बात सरकार अपनी नीति से भटकती है तो हम जैसे खबर नवीस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जिससे सी न्यूज भारत पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास की नींव माने जाने वाले नगरीय निकाय निर्देशालय, जहां भ्रष्टाचार चरम पर है और इस विभाग के जिम्मेदारों की नींद खोलने की कोशिश लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने की, तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अतिशयोक्ति यह भी है कि ना इसके विभागीय मंत्री को फुर्सत है और ना ही विभागीय अधिकारियों को। चलो अब पर्दा उठा देते हैं तो सुनिए दास्ताने भ्रष्टाचार। पर पहले जानिए स्थानीय निकाय बजट व्यवस्था को, तभी पता लग पाएगा कि कितना बंदरबाट होता है सरकारी पैसों का। स्थानीय नगर निकाय वो कार्यालय है जहां प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आम नागरिकों को जन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, मतलब जिससे आम जनता के लिए बनाया गया है। वहीं इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम, 200 नगर पालिकाएं परिषद, 500 नगर पंचायत आती हैं। नगरीय निकाय इसका निर्देशालय है, जिसके अंतर्गत स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन, मुख्यमंत्री नवसृजन योजना, आकांक्षी नगर योजना, स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन, नमस्ते योजना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मिशन काम क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, तो आपको सबसे पहले स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बता देते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से भारत सरकार की योजनाओं से वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, यानी कि प्रति सिटी 2000 करोड़ का बजट 5 साल की अवधि के लिए दिया जाता है, मतलब 10 स्मार्ट सिटी के लिए तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का बजट दिया जाता है, जिसमें 17 नगर निगम स्मार्ट सिटी, 7 स्टेट फंडिंग और 10 सेंट्रल फंडिंग से होती हैं। यानी कि कितना पैसा आम जनता के लिए देती है, पर भ्रष्टाचारी उस पैसे से अपनी जेब भरने लगते हैं। पर सरकार यहां चुपचाप बैठी सब देख रही है और अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह करने की तनिक भी गंभीरता नहीं है। आपको बताते चलें कि लखनऊ के नगरीय निकाय निर्देशालय में तैनात सहायक निर्देशक अखिल सिंह और प्रशासनिक अधिकारी, या यूं कहें केयर टेकर आशीष श्रीवास्तव के द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर सरकार को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। दरअसल सहायक निर्देशक अखिल सिंह द्वारा गोमती नगर विस्तार लखनऊ के नगरीय निकाय निर्देशालय में विभागीय कार्यों की भुगतानी में धांधली की जा रही है। अपने प्रिय वेंडरों को नियम के खिलाफ जाकर बिना टेंडर के काम को देना, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को नियम के विरुद्ध टेंडर देना, वेंडरों से मनमानी वसूली करना और निदेशालय से संबंधित कार्यों में मोटी रकम वसूलने के साथ साथ जमकर धांधली, आय से अधिक संपत्ति को अर्जित किया जा रहा है, जिससे वहां के अधिकारियों में काफी रोष व्याप्त है। इसके बारे में पहले भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही कारण है इन भ्रष्टाचारियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। हैरानी वाली बात तो यह है कि अखिल सिंह अकेला नहीं, बल्कि इन भ्रष्टाचारियों का पूरा गैंग है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी आशीष श्रीवास्तव, प्रधान सहायक सरोज सिंह, प्रधान सहायक गरिमा सिंह भी बाकायदा शामिल हैं और इसके लिए काम करते हैं। ऐसे में अगर इन मामलों की जांच कराई जाए तो इस भ्रष्टाचार में कई अधिकारी कर्मचारी लिप्त पाए जाएंगे। खास बात यह है कि इन अधिकारियों के पास नगरीय निकाय निर्देशालय का प्रभार होने के साथ साथ नगर विकास के अन्य
विभागों की भी जिम्मेदारी दी गई है। जिन सरकारी योजनाओं के बारे में हमने आपको पहले बताया, उनका जिम्मा भी इन्हीं अधिकारियों के पास है, जिसमें अवैध वसूली का सिलसिला जारी है। पैसों के लालच में रिश्वत लेकर अपने चहेतों को ऊंचे पद पर बैठाया जा रहा है, जो इस पद के योग्य भी नहीं है, वो भी इसलिए क्योंकि वो इन अधिकारियों के लिए वसूली का काम कर सकें। इस तरह इन दोनों भ्रष्ट अधिकारियों ने अवैध और भ्रष्ट तरीके से काफी अकूत संपत्ति का अर्जन किया है। इतना ही नहीं, प्रशासनिक अधिकारी आशीष श्रीवास्तव के साथ मिलकर प्रिया इंटरप्राइजेस को नियम के विरुद्ध टेंडर दिए जाते हैं और प्राइवेट वाहन खरीद कर विभाग में टैक्सी के रूप में चलवाया जाता है। इतना ही नहीं, कई वाहनों को तो अपने परिवार और रिश्तेदारों के नाम से खरीदकर सरकारी विभागों में लगवाकर मोटी कमाई की जा रही है। गाड़ी पर बाकायदा सरकारी विभाग का लोगो भी लगा हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रशासन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। हम यूं ही नहीं कह रहे, इसके पर्याप्त सबूत भी हैं। आप खुद देखिए, गाड़ी की आरसी और पेपर भी मौजूद हैं, गाड़ी का नंबर भी साफ दिख रहा है। यहां तक कि मुख्यमंत्री से शिकायत भी इस मामले पर की जा चुकी है और अखबारों में भी खबरें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप खुद देखिए, 28 मार्च 2024 को एक स्थानीय अखबार ने इन अधिकारियों के काले कारनामे का चिट्ठा उजागर किया, कई खबरें सामने आई, लेकिन स्थिति आज भी जस की तस है। और तो और, सोशल मीडिया पर भी इस मामले ने काफी तूल पकड़ा। ट्विटर पर आनंद शुक्ला नाम के शख्स ने बाकायदा अधिकारी और गाड़ी की फोटो के साथ ट्वीट किया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की, जिस पर लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई और कार्रवाई की मांग की गई। लेकिन अफसोस, आज भी अवैध वसूली का ये सिलसिला वास्तस्तूर जारी है। ये सब हम नहीं कह रहे, ये सारे सबूत ही इस बात को सच बताने के लिए काफी हैं। खास बात यह है कि इसके अलावा भी कई ऐसे कर्मचारी हैं जो इस काम के योग्य हैं, लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों की पहुंच के चलते इस पर किसी दूसरे कर्मचारी की तैनाती नहीं की जा रही है, या यूं कहें इन पदों पर कोई और कर्मचारी नहीं आ रहा है। जबकि नियम यह भी कहता है कि 3 साल के बाद स्थानांतरण होना चाहिए, लेकिन उच्च अधिकारियों के प्रभाव और पैसे के दबाव के चलते अभी तक इन अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं किया गया, जिससे साफ जाहिर है कि उच्च अधिकारियों की मिलीभगत और पैसे के बल पर जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे कहीं ना कहीं सरकार की छवि धूमिल हो रही है, योगी आदित्यनाथ की छवि धूमिल हो रही है। जबकि कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा है जो भ्रष्टाचार पसंद नहीं करता है, लेकिन इन अधिकारियों को देखकर सोचिए कि भ्रष्टाचार के क्या हालात हैं। अब इस मामले में कब संज्ञान लिया जाता है, कब इन भ्रष्ट अधिकारियों के काले कारनामों का दंड इनको मिलेगा, फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में नियत हैं। पर अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले का खुद संज्ञान लें, नहीं तो भ्रष्टाचार रूपी जड़ आपके अच्छे कामों को खत्म करते हुए आपकी और आपकी सरकार की साफ सुधरी छवि को खराब कर देगी। खैर, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, इस भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की और भी परत हम खोलेंगे और आपको बताएंगे कैसे नगर निकाय में जारी है भ्रष्टाचार और कौन कौन है इसमें लिप्त। साथ ही भ्रष्टाचार से जुड़े और भी चिट्ठा आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।